नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं बाखरपुर में पुरानी दुर्गा मंदिर के पास, और लगातार जो है यहां पर जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि पीछे मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है डॉक्टर दीपक के नेतृत्व में। और ये वही डॉक्टर दीपक हैं जो लगातार दियारा के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सरकारी मेडिकल सुविधाएं किस तरीके से है उसकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और खबरें ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिनंदन यादव जी मौजूद है। अभिनंदन यादव जी, जिस तरीके से मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया है डॉक्टर दीपक के नेतृत्व में, लगातार दियारा के अनेक क्षेत्रों में जिस तरीके से डॉक्टर दीपक ने ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया, आप हर पल उनके साथ थे, क्या कहेंगे? ये किस तरीके का कैंप है और इससे क्या लोगों को फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, हमारे जितना भी दियारा क्षेत्र हैं, जहाँ भी बाढ़ आया था, बाखरपुर, मधुबन, हर जगह डॉक्टर दीपक कुमार के माध्यम से फ्री शिविर लगाया जा रहा है, फ्री में दवा, फ्री चेकअप किया जा रहा है। एक बहुत अच्छा उद्देश्य उठाए अपने गांव समाज को लेके, और हर गांव में जाके ब्लीचिंग छिड़काव किए, स्कूल में छिड़काव किए, गाँव समाज की जहाँ गंदा हो, डेंगू मच्छर का शिकायत है, हर जगह वो ब्लीचिंग छिड़काव किए। ब्लीचिंग छिड़काव के बाद फिर ये आप देख रहे हैं जो पीछे कैंप चल रही है आज अभी बाखरपुर में, और हर जगह हम लोग पूछे दिखा दीजिए, फिर आप लोग देखिए ये पीछे जो है जो भीड़ दिख रही है, यहाँ पे डॉक्टर दीपक जो है लगातार रोगियों का चेकअप कर रहे हैं, रोगियों को पूछ रहे हैं और उनके बीपी शुगर लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। इधर आइए, जेंट्स का भी लगा हुआ है, जेंट्स के लिए भी लगा हुआ है। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मेडिकल कैंप में लोग आ रहे हैं, किस किस तरह की बीमारियां जो है लोगों को आप जो देख रहे हैं, आप किस किस तरह की बीमारियां जो है प्रकट हो रही है? अनेक प्रकार की बीमारी आ रहे हैं, जैसे कि जो तो बाढ़ से पीड़ित हैं, डेंगू हुआ, डायरिया हुआ, मलेरिया हुआ, ये तो आ ही रहे हैं। विशेष करके बीपी का ज़्यादा संख्या आ रहा है, बीपी वाला, जैसे कि गोड़ दर्द हुआ, जैसे ठेवना दर्द गया, बहुत सारे दिनाए वाले भी आ रहे हैं, मतलब कि अनेक प्रकार के बीमारी के लोग जुट रहे हैं यहाँ। और मेडिकल कैंप लगने से लोग कितने खुश हैं? इधर आइएगा जरा बाबा, यहाँ आइए, आइए जरा इधर, आपसे बात करें, यहाँ ये देखिए, यहाँ आइए, इनसे पूछते हैं। एक बात बताइए कि मेडिकल कैंप लगने से आप लोग कितने खुश हैं? काफ़ी हर्षोल्लास है, बहुत लोग का ट्रीटमेंट हो रहा है और काफ़ी तादाद में हम लोग जो एक बजे से शिविर का चालू हुआ है, उसके बाद अभी तक जो है भीड़ कम नहीं हो रहा है, इससे जो है बहुत लोग की समस्या का समाधान हुआ है। और ज़्यादा लोग जो है बाढ़ आने के चलते डायरिया हुआ, डेंगू, मच्छरी सब का प्रकोप क्या है, दियारा क्षेत्र होने के कारण ज़्यादा पड़ा है इसका, उसके बाद बीपी का तो है ही प्रॉब्लम, सभी का जो है ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम जानेंगे कि क्या इस तरह के कैंप्स और भी लगने चाहिए आप लोगों? हाँ, ये ज़रूरी है, अगर ऐसा शिविर लगेगा तो लोगों में जागरूकता होगा और अपना बीपी, शुगर, ये सब क्या है हमेशा चेकअप कराते रहेंगे। कैंप नहीं लगने से क्या है लोगों में जागरूकता का अभाव हो जाता है। कुछ आर्थिक तंगी भी सामने आती है क्या, जब लोग बातचीत करते हैं कि हम अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका इसके पीछे का जो बड़ा कारण है, क्या आपको कहीं से आर्थिक तंगी भी नज़र आती है क्या? ये तो सच है कि लोग इकोनॉमिकली कमज़ोर होने के चलते भी अपना स्वास्थ्य पर सही देखभाल नहीं करते हैं, समय से बीपी चेक नहीं होता है, शुगर चेक नहीं होता है, ब्लड चेक, इकोनॉमिकली कमज़ोर होने के कारण अपना जो है समय से क्या ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, जाँच नहीं करा पाते हैं, इसलिए आर्थिक जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान रखती है स्वास्थ्य के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।